आजाद कश्मीर, सिंध और जनूबी पंजाब में खेती की तकसीम वाली हुई। हम ये तो नहीं कहते कि हमने गुरबत खत्म कर दी, ये कौन कह सकता है, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि हमने उम्मीद का दिया रोशन किया। हमने बहुत से लोगों को ये एहसास दिया कि वो गुरबत के खिलाफ इस कश्मकश में अकेले नहीं है। बड़े खूबसूरत बात की शोएब रज़ा साहब ने कि मायूसी से उम्मीद, उम्मीद से यकीन और यकीन से कामयाबी, यही सफर है। जमाने में जिंदा कौमों का सफर यही है। अगर आप तारीख के जौहर को पहचानना चाहें तो यही चार लफ्ज हैं। पहले मायूसी होती है, मायूसी ही थी जब 1947 से कबल हमासु बहादुर ने कि हमारे लिए एक आजाद वतन नहीं था, फिर एक शख्स ने उम्मीद कर दिया रोशन, पर फिर उसने यकीन दिया, खुद पे यकीन और खुदा पे यकीन। याद रखिए, मुल्क कौम और तहजीबें, ये तारीख का सबसे बड़ा सबक है, वो गुरबत से खत्म नहीं होती, वो बेयकीनी से खत्म होती। जिस शख्स को यकीन ही नहीं है वो तब्दील नहीं हो सकता, ना तब्दील कर सकता। तो मायूसी उम्मीद में बदलती है, उम्मीद यकीन में बदलती है, और फिर यकीन कामयाबी का नतीजा। नाकामी के दरवाजे पर जो सबसे बड़ा कुफर पड़ा हुआ है उसकी खोलने की चाबी का नाम भी यकीन है। इससे पहले कि मिर्जा साहब मुझे बुलाने के लिए कोई कागज भेज दे, मैं अपनी गुफ्तगू को तो बहरा ये अकूबत है, ये हमारी कहानी है, ये आप छोटे से अदारे का नाम नहीं है, अकूबत पाकिस्तान का नाम है, एक दरख्शान तहजीब पर रवायत का नाम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार सलामत और सन्नत आदि मन की खुफार के बात है, उनके राइटर हैं और इनकी किताबों में इनाम मिल चुके हैं। जब बहुत सा काम हो गया तो फिर हमने कहा कि एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं जिसमें वो बच्चे पढ़ने जो आज ही फीस नहीं दे सकते, 10 साल बाद फीस दे, तो जिसके पास फीस है वो तो फीस दे के कमरा जमात में दाखिल हो जाता है हमारे साथ है, जिस माँ के पास जेवर नहीं है वो बेचे वो और फीस के लिए पैसे इकट्ठे करे तो वो बच्चा कैसे पढ़ेगा, और वो बच्चा अगर ना पढ़ा तो नुकसान किसका। पांचवी नेशनल राइटर्स कॉन्फ्रेंस पर्ल कॉन्टिनेंटल में, तो हमने कहा ऐसी यूनिवर्सिटी बनाए जिसमें बच्चे फीस बाद में दें, कमरा जमात में चले जाए। अभी यूनिवर्सिटी के चार्ट तो नहीं मिला, लेकिन 1000 के लगभग बच्चे हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के साथ करीब चल रहे हैं। आप देखिए वहां पर एक नया तरह का पाकिस्तान तलुक हो रहा है, तो कहां कहां से बच्चे हसरतों को छोड़कर, मायूसियों को छोड़कर उम्मीद की एक गठड़ी बांधते हैं और अपने कांधे पे रखकर पैदल टांगों पर चिंची पर बसों में सवार होकर लाहौर पहुंचते हैं। कसूर में वो इमारत है और फिर वो वहाँ खो जाते हैं, उसके तिलिस्म में, उस खूबसूरती में कि वहाँ पर तालीम भी है और तरबियत भी है। वही जो बात कि एक मुकद्दस फर्ज की तकमील होती है जहाँ, यानी आदमियत से इंसानियत का सफर। तो इस बात को भी मैं यही खत्म करता हूँ, मैं मशहूर हूँ मिर्जा साहब का, और मैं उनके तवस्त से दो, आज हमने कहा था पिछले साल के हम 50,000 रुपये के इनाम पेश करेंगे, उसका इंतखाब, एक का इंतखाब इनकी तरफ से हुआ, एक इंतखाब हमने किया, इंशाल्लाह
एक हफ्ते के अंदर हम वो इनाम और एक सर्टिफिकेट के साथ मिर्जा साहब अकेडमी पर इतफाल को पेश कर देंगे और हर साल इंशाल्लाह इसमें इस्तेदाद हुई तो इंशाल्लाह रकम में भी इजाफा होगा। 25,000 के दो इनाम होंगे, एक मुहतरमा तस्नीम जाफरी साहब और दूसरा इनाम हम चाहते हैं कि उस मुअज्जिन को दिया जाए जिसने ये अजान बुलंद की और इतने मुक्तदी यहाँ पर पहुँचे और वो नाम है शुएब मिर्ज़ा साहब। इसके अलावा कर्ज़ हसन वो भी मिर्ज़ा साहब ने कागज़ बनाया है, उसके बारे में उससे आपको मालूमात मिल सकती है। उन्होंने लिखा है कि 1,00,000 का कर्ज़ा दिया जाएगा, सिर्फ इतनी सी तरमीम करूँगा कि 1,00,000 तक का कर्ज़ा दिया जाएगा, जिसकी ज़रूरत अगर 20,000 है, 50,000 है, ज़्यादा है तो हम वो पेश करेंगे। मैं आखिरी बात ये कहूँगा कि हर शय इस दुनिया में कर्ज है, तो कैसा कर्ज नहीं है, मोहब्बत भी कर्ज है। आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उस पर कर्ज का बोझ ला देते हैं, बेशक वो कर्ज आपको लौटाए या बेशक वो कर्ज किसी और को जाकर लौटा दे। एक हल्का मैं हूँ इसका, दूसरा हल्का है तू, दूर तक फैला हुआ है सिलसिला जंजीर का, ये कर्ज हमें उतारना है। कोई मोहब्बत का कर्ज देता है, कोई किसी बीमार की जाकर ईमानदारी कर ले तो ये भी एक कर्ज है, कोई मशवरा दे दे तो ये भी एक कर्ज है, कोई हौसला दे दे तो ये भी एक कर्ज है, कोई आंसू पूछ दे तो ये भी एक कर्ज है। पर ये कर्ज अगर हम नहीं उतारेंगे तो हम नाशुक्रगुजार लोगों में शामिल होंगे, क्योंकि खुदा का हुक्म है कि जो तुम्हारे साथ नेकी की जाए उसको दोहराओ। यही अमर बिन मारूफ है, यही नहीं अनिल मुनकर है, यही एक नई दुनिया की तख्लीक है और यही पैगंबरों की सूफियों की दरवेशों की सुन्नत है। एक विशेष साइकिल होता है, यानी गुनाह का चक्कर, बदी का चक्कर। मैं बदी करूंगा किसी के साथ, वो किसी और के साथ करेगा, वो किसी और के साथ करेगा और वो घूमते घूमते फिर से मेरे तक वापस आ गया। तो आइए हम इस विशेष साइकिल के मुकाबले में एक विशेष साइकिल बनाए, नेकी का साइकिल। आप किसी से नेकी करें, वो किसी और से नेकी करें, वो किसी और से नेकी करें, तो ये खुशबू फैलती 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 न जाने कितने दरो दीवार को मुअत्तर करते, न जाने कितने टूटे हुए हौसले बुलंद हो जाएंगे, न जाने कितनी माओं के बच्चे जेवरे इल्म से आरास्ता होने लगेंगे। और फिर कौन जाने कभी किसी रोज शाम ढले या सुबह की सूरज की किरण के साथ वो नेकी आपके दरवाजे पे घिस सकते हैं। आइए ऐसे ही काम करें, इन्हीं कामों से करने वाले बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, मैं आप सबसे